जैन साथियों, आप लोगों को रेलवे बोर्ड के द्वारा जो 13 जनवरी को एडिशनल अप्रूवल 8085 सीटों का मिला, जिसमें कि 5371 आपका टेक्नीशियन का था, उसमें दो तीन बोर्ड से लगातार आपको पैनल देखने को मिल रहे हैं। आज के डेट में आपको सबसे पहला पैनल आरआरबी बिलासपुर से मिला है, डेट 7/2/2023, सेंट्रलाइज इम्प्लॉयमेंट नोटिस 1/2018, एलपी एंड टेक्नीशियन। इसमें हम देखिए, प्रोविजनल पैनल फॉर द वेरियस पोस्ट ऑफ टेक्नीशियन ग्रेड 3 अगेंस्ट एडिशनल ऑब्लिक स्पेशल डिमांड रिसीव्ड फ्रॉम जोनल रेलवे, जोनल रेलवे के द्वारा। इसमें आप देखिए एसईसीआर, उसके आगे फिर हम इसमें चलते हैं, आप कैटेगरी वाइज देखते हैं। कैटेगरी नंबर 14 अलॉटेड रेलवे जो है वो एसईसीआर है, ये ब्रिज का है, एक छात्र का। कैटेगरी नंबर 25 जो कि आपका सीएनडब्ल्यू है एसईसीआर का, इसमें टोटल आपका 8 छात्र का। कैटेगरी नंबर 32 में एक, 34 में आपका 9, 47 में एक, 51 में आप यहाँ से देखिए 11, 52 में 7, 53 में आपका 12, 54 में आपका 1, 61 में आपका 2, फिर आपका देखिए 62 नंबर में 14, और यहाँ कैटेगरी नंबर 62 में भी आपका यहाँ पे सीआर में 7 का हुआ है। यहाँ से पहला आपका ये एक डाइवर्जन भी है जो कि कनेक्टिंग जोन में है, यहाँ से फिर 134, फिर 134 का ये सेंट्रल जोन का है। टोटल की बात करें तो हम यहाँ से 91 का, और इसमें अगर हम कटअप की बात करें, यहाँ से आप देखिए सारा नीचे में दुआ कैटेगरी का URS CST OBC एक्स सर्विस में, इधर आपका हैंडीकैप का भी दिया हुआ है। अभी रांची से देखने को मिल रहा है, इसमें देखिए एडिशनल पैनल CN 1/18, ये ECR जोन हाजीपुर का सीट है। इसमें देखिए आप कैटेगरी नंबर 25 में 6 का, कैटेगरी नंबर 31 में 1 का, 34 में 1 का, 47 में 3 का, 49 में 2 का, 52 में 1 का, 54 में आपका 6 का, SER कलकत्ता जोन का ये, इसमें 62 नंबर में 7 का, 134 में 3 का। टोटल यहाँ से 30 छात्रों का वेटिंग क्लियर हुआ। टोटल आपका यहाँ पे 497 वेटिंग था, जिसमें कि 30 का क्लियर हो गया, 467 अभी भी यहाँ पे वेटिंग में छात्र हैं। बिलासपुर में भी आपका 98 का वेटिंग था, 91 का पैनल आया, 7 छात्र अभी वहाँ पे भी वेटिंग में हैं। ये 6 फरवरी का पैनल है आरआरबी अजमेर का। यहाँ से आप एक चीज़ देखिएगा, ये वाला लाइन, इन अभ्यर्थियों को आवश्यक औपचारिकताओं की पूर्ति के अन्युसार योग्य पाए जाने और अन्यथा पात्र पाए जाने तथा व्यक्तियों की उपलब्धता पर नियुक्ति पत्र संबंधित रेलवे द्वारा भेजे जाएंगे, इस लाइन पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। यहाँ से टोटल हम देखते हैं, ये चूंकि 3 पेज का है, ये रोल नंबर आप लोग देखते जाइएगा। यहाँ से 519 का वेटिंग टोटल क्लियर हुआ है। यहाँ पे 518 जो था वो NWR जयपुर का सीट था, और WCR से भी कुछ ना कुछ सीटें दी जाती है, कोटा डिवीजन उसके अंदर आता है। इससे पहले यहाँ पे 55 का वेटिंग क्लियर हुआ था, प्लस 70 प्लस आपका ये 519, और एक आपका 28/6/2021 को 34 नंबर कैटेगरी का पैनल आया था। टोटल यहाँ पे 776 जो कि सिर्फ और सिर्फ टेक्नीशियन का वेटिंग था, एलपी का आपका 214 वेटिंग था जो कि बिलासपुर डाइवर्ट किया गया। तो टेक्नीशियन में एक हमारा अंदाज़ा है, लगभग यहाँ पे 50+ अभी भी वेटिंग में छात्र हैं। कोई भी ऐसा बोर्ड अभी तक 100% टेक्नीशियन का वेटिंग क्लियर नहीं कर पाया है, किसी के भी बातों पे आप ध्यान नहीं दें। इसमें जो आपका अजमेर में कैटेगरी वाइज नहीं दिया गया है तो उससे कोई खास ज़्यादा इफेक्ट नहीं है, यहाँ पे कोशिश किया गया है कि 100% वेटिंग क्लियर किया जाए, और जैसे जैसे यहाँ का सीट खाली होगा उस तरह से यहाँ पे बच्चे को एडजस्टमेंट किया जाएगा। यहाँ पे मल्टी स्किल्ड किसी भी प्रकार का कुछ नहीं लगा है, और डिवीज़न अलॉटमेंट कौन कौन से पेपर आपको बनाने होंगे इसके बारे में मैंने 2-3 दिन पहले ही एक वीडियो बनाया है, आप उसमें देखें। और जो भी सारा सर्टिफिकेट है वो आपका OBC SC ST या फिर अटेस्टेशन फॉर्म वगैरह जो आएंगे वो सारा SC ST OBC और कैरेक्टर, ये सारा सर्टिफिकेट आपका 2023 का करंट चाहिए, आप लोग बनवा लीजिए। किसी के नाम में अगर कोई करेक्शन वगैरह है तो उसके लिए आप एफिडेविट दे देंगे, और बॉन्ड पेपर जो बनाना है आपको वो 100 रुपये के स्टाम्प पेपर भी बनाना है, वो भी 2023 को स्टाम्प पेपर लिया हुआ हो, और आप अपने खुद के नामों से लेंगे। पैनल देखने को नहीं मिला है, जल्द से जल्द आपको पैनल देखने को मिलेगा।
तो आप किसी के भी बहकावे में नहीं है। आपका लास्ट में ऐसा सुनने में आ रहा है डाइवर्जन भी होगा, हो सकता है मल्टी स्किल्ड लगे भी या नहीं लगे। तो अभी आपको सारे बोर्ड्स के पैनल देखना चाहिए, कहाँ पे कितने सीटें बच रही है, उसके बाद आपको डाइवर्जन पे पॉलिटिकल अप्रोच लगाना चाहिए।